क्वेश्चन इज हु इज जोशिंग अराउंड, कौन है भैया जोशिंग अराउंड? वेल, जोशिंग अराउंड ना दिल्ली से है। वो अभी वो कुर्सी का टैग नहीं हटाया था ना, हम दिल्ली वाले हटाते ही ना टैग, तो मैंने टैग ही नहीं हटाया। तो भाई माय नेम इज जोशिंग अराउंड और आप लोग एक चैनल देख रहे हो, तो जोशिंग अराउंड नाम कैसे पड़ा? वेल एक्चुअली मेरा असली नाम प्रणब जोशी है, जोशी से एक दिन बैठे बैठे जोशिंग बन गया। और फिर जोशिंग का जब मैंने मतलब देखा, समवन हु इज अराउंड अ प्लेफुल वे, तो मैंने कहा जोशिंग क्या करूंगा, अराउंड में करूंगा, तो ऐसे मेरा जोशिंग अराउंड नाम बन गया। भाई वैसे तो मैं हूँ दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली का लौंडा हूँ। अब आप लोग जज करना चाहोगे कि दिल्ली बॉय साउथ दिल्ली बॉय शो अप, तो मैंने करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैंने यूं ही रखी है, ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ शो, दैट्स माय नॉर्मल लाइफ रूटीन। ये सारे थॉट अगर आपके माइंड में है, तो मैं वैसा बंदा एक टाइम पे था, बट अभी जब से खुद कमाने लग गया हूँ तो वो थोड़ा लो हो गया है, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस तो मुझे करने नहीं देता। पापा जब तक करा रहे थे तो बड़ी खुशी में जी रहा था। तो मैं रहता हूँ आयरलैंड में, ठीक है, आयरलैंड में मैं रहता हूँ। मैं करता हूँ 9 से 5 की जॉब, और 9 से 5 की वो जॉब तो मुझे पैसा देती है, उसके बाद मैं ये यूट्यूबिंग करता हूँ अपना एक पैशन फॉलो करने के लिए। बचपन से मुझे एक्टर बनने का बहुत बड़ा शौक था, शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और सोच रहा हूँ कि मैं यंग शाहरुख खान हूँ। ऐसे ही बस एक दो फीलिंग्स के चक्कर में एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। अब 12,000 के आसपास पहुंचने वाले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो बैड चॉइसेस जो है ना, वो मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा लेता हूँ। जैसे संजय दत्त अपना संजू में करता था ना, वैसे मैं रियल लाइफ में बहुत सारी बैड चॉइसेस करता हूँ। उसका सबसे पहला एग्जांपल है ये न्यू चश्मे, अभी रिसेंटली आए, 45 यूरो के पेयर ऑफ टू मिले थे मुझे, ठीक है। ये पहनने के बाद मैं ब्लैक का एक हीरो लगता हूँ। तो भाई जो मैंने बैचलर्स करी थी वो मैंने करी थी दिल्ली से, नहीं दिल्ली से नहीं करी थी, रुको, नोएडा से करी थी, नोएडा, ठीक है, नोएडा से मैंने बैचलर्स करी थी एमिटी यूनिवर्सिटी में। अब आप लोग तो सोचेंगे भाई दिल्ली का बंदा साउथ दिल्ली बॉय एमिटी से पास आउट है तो ये बंदा कैसा ही होगा। देखो यार, जब दुनिया में आपका कोई नहीं होता ना, तब कोई ना कोई सहारा होता है, तो उसी सहारे पे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी जीता हूँ, तो एमिटी भी मेरे लिए वैसा ही एक सहारा था। एमिटी में मैंने करा था मास कम्युनिकेशन, क्योंकि बातें करना बहुत ज्यादा पसंद था लोगों से, तो मैंने कहा बातें अगर करनी अच्छी है मास कम्युनिकेशन करूंगा, फिर एक दिन बॉलीवुड निकलूंगा और फिर तो एक्टर ही बनूंगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो यूट्यूबिंग भी इतनी खराब नहीं है, ठीक है, बस एक ही फर्क है, जब वहां पे मूवीज होती थी तो डायरेक्टर अलग होता था, प्रोड्यूसर अलग होता था, शूट कोई और करता था, एक्टिंग कोई और करता था, एडिटिंग कोई और करता था, गाने कोई और गाता था, और एक हीरो निकल आता था। यहां पे मैं ऑल इन वन हूं। बस पे पूरी वीडियो की फ्रस्ट्रेशन पे और बहुत सारे लोगों के बोलने पे कि भाई मोटा हो गया, मोटा हो गया, मोटा हो गया, कुछ मुझे पता है तुम्हारे बाप का खाता हो गया, बोल बोल के इतना कह दिया ना कि आज मेरा पहला दिन भी है जिम का, तो मुझे नहीं पता ये कंटिन्यू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आज पहला दिन है तो मैं बहुत दबा के जिम मार रहा हूँ, क्या पता सुबह मैं उठ भी ना पाऊँ, ऑफिस ना जा पाऊँ और उससे मेरी जॉब भी ना चली जाए। पढ़ने तो वैसे मैं आयरलैंड पब्लिक रिलेशंस करने आया था कि पब्लिक रिलेशन, पब्लिक से बात करूंगा, मजा ही करूंगा, बट लाइफ का एक अलग ही रोलर कोस्टर है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ और अभी भी चल रहा हूँ। लेकिन मोटिवेशन भाई साहब आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत तो आ रहा है। मोटिवेशन इतनी है कि तब भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। आज मैं हूँ एक अकाउंट ट्रेनी, तो मैं साथ साथ अकाउंटेंसी भी पढ़ता हूँ, यहाँ पे वीडियोस भी बनाता हूँ और 9 to 5 जॉब भी करता हूँ। तो हूँ तो मैं मल्टीटास्कर, जिसमें मैं गुड हैबिट डाल रहा हूँ जिम जाने की और शायद बुक पढ़ने की, आई डोंट नो कितना होगा। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा वो कीड़ा है कि कुछ तो अलग करके दिखाना है। मुझे नहीं पता कब होगा, आज होगा, कल होगा, 2 सालों से तो वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक भी हुआ है, जितना भी हुआ मैं उसमें बहुत खुश हूँ, अब और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्यों बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपना फुल टाइम चीज बना पाऊँ। सो दिस वॉज जोशिंग अराउंड, लिविंग इन आयरलैंड, वर्किंग इन आयरलैंड एंड मेकिंग वीडियोज फॉर यू गाइज। सो अगर आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा अभी तक, या मेरी जितनी भी बातें लगी आपको कि चल बातें तो सही कर रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करना। Till then, meet you guys in my next video. Peace out.